दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था बात वहीं से शुरू की जानी चाहिए, लेकिन बातचीत तभी होगी जब पत्थरबाजी और गोलीबारी खत्म होगी। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने बताया कि कश्मीर में अचानक से बड़ी हिंसा से लेकर हाल ही में हुए चुनाव के दौरान हिंसा में कम मतदान को लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। इसके अलावा गठबंधन के एजेंडे, सिंधु जल समझौते की वजह से राज्य सरकार को होने वाले नुकसान पर भी चर्चा हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य करने के लिए एक माहौल पैदा करना होगा, पत्थरबाजी के जवाब में गोलीबारी से हालात सुधरने वाले नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि बातचीत के जरिए ही घाटी के हालात सुधारे जा सकते हैं। बीजेपी और पीडीपी के बीच मतभेद के सवालों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जिसको उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए दो तीन वजह है। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसिल्यूजन्ड है, जो खफा है, जो नाराज है। दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ये कि जो माहौल को ठीक करके उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। अभी तो मैंने कहा ना, थोड़ा ये पत्थरबाजी और गोली का जो आपस में इस मुकाबला हो रहा है, इसको किसी तरह से हम ठीक कर लें तो उसके बाद बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं। क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहाँ पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग। कश्मीर के मौजूदा हालात पर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर घाटी में पत्थरबाजी का दौर भी जारी है। जिस वक्त दिल्ली में महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल रही थी, उसी वक्त श्रीनगर में स्कूली बच्चे पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे थे। कश्मीर में आज एक हफ्ते की छुट्टी के बाद स्कूल खुले थे और स्कूल खुलते ही बच्चों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिए। ये बच्चे एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं और स्कूल कैंपस के अंदर ही सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने छात्रों पर पानी की बौछार की। उत्तराखंड के जवानों की मुस्तैदी की तस्वीर आई है। भारत चीन बॉर्डर पर हजारों फीट की ऊंचाई पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं कि बर्फ के बीच जवान की गाड़ी नजर आ रही है। ये आईटीबीपी के जवान हैं। बर्फ के बीच सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। ये जवान जिस गाड़ी से गश्ती कर रहे हैं वो काफी महंगी आती है। बर्फीले पर्यटन स्थलों पर ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। भारत ने अमेरिका की कंपनी से ऐसी 5 गाड़ियां खरीदी हैं जो लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम में ऊंची जगहों पर मुहैया कराई गई हैं। करीब 1 करोड़ की कीमत वाली इस गाड़ी में राइफल और गोले बारूद रखने की जगह होती है। ड्राइवर के पीछे एक जवान के बैठने की भी जगह होती है। ये पहाड़ी पर 45 डिग्री की ढलान पर चढ़ सकती है। लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अक्टूबर 2018 तक यूपी खुले में शौच से मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के विकास पर जोर दिया। उनके मुताबिक पंचायतों के विकास से ही यूपी का विकास होगा। 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ घोषित करेंगे।
यानी खुले में शौच से मुक्त पूरी तरह करेंगे, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो। हम इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लेंगे ही, हम अपने संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, पीएसयूज हैं, उन सब का भी इसके समझ संबंध में हम लोग सहयोग चाहेंगे। और हम लोगों का लक्ष्य है 19 तक इंतजार किए बगैर अक्टूबर 2018 तक हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने की कार्रवाई संपन्न कर देंगे। इस एक बृहद अभियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को चलना होगा और उसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के 59,000 ग्राम पंचायतों की होगी और उसमें आप सबके सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं। हम लोगों ने विकास के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ ने बिजली को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि जहां बिजली चोरी नहीं होगी वहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कि अब ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्र में जलेगा तो 48 घंटे के अंदर उसको बदलना होगा, शहरी क्षेत्र में जलेगा तो 24 घंटे के अंदर जलेगा। अब दो दो महीने, तीन तीन महीने नहीं लगेंगे और हम उसके लिए बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन घोषित करने वाले हैं। अगर इस समय सीमा के अंदर कोई नहीं करेगा तो फिर वह दंड का भागीदार होगा, यह अभी हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर सरकार आपके हितों के लिए कदम उठा रही है तो स्वाभाविक रूप से सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा। और सहयोग हम यही चाहेंगे कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की, अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे अब जब हम लोग देखेंगे कि चोरी नहीं हो रही है, लोगों ने मीटर लगा लिए हैं, कनेक्शन उन्होंने ले लिए हैं और वहां पर लोग स्वयं इसके प्रति जागरूक हैं कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति 2018 तक अवश्य कर देंगे। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। दरअसल आज वीरभूमि में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की रैली रही। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर रैली में पहुंच रहे बीजेपी वर्कर्स को रोकने का आरोप है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। आज जीएसटी बिल को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सभी दल के नेताओं ने अपने अपने विचार सदन में रखे। जीएसटी बिल के पास होने के बाद बिहार कराधान विधि संशोधन विधेयक 2017 भी सर्वसम्मति से पारित हो गया। आपको बता दें कि देश में 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की व्यवस्था लागू होगी, यानी जीएसटी। इसके लिए कम से कम 15 राज्यों की भी बिल पर सहमति जरूरी है और इसी क्रम में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में आज जीएसटी बिल पेश किया गया। तमाम पार्टियों ने इसका स्वागत किया है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार कराधान विधि संशोधन विधेयक 2017 स्वीकृत हुआ। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, इस बिल के पास होने से महोदय देश में करों में एकरूपता महोदय आएगी जाकर, और शासित महोदय अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे महोदय अगर कि मुख्यमंत्री जी का जो मतलब प्रयास हुआ जाकर महोदय, और इन्होंने आगे बढ़ करके और बिहार में मतलब महोदय विधेयक स्वीकृति महोदय मिली जाकर के। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सभी पार्टी के लोगों ने और विवर्ष के बाद लोकसभा और राज्यसभा महोदय पारित हुआ।
तो इधर बिहार के गया में आज जुड़ी विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र यादव पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने विधायक की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जानलेवा हमले में गाड़ी में सवार दो लोग घायल हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि विधायक जी बाल बाल बच गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक किसी को भी ट्रेस आउट नहीं किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि हमला आपसी साजिश के तहत हुआ। आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के हमले पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर सभी असुरक्षित है। एमएलए पर हमला गिरती कानून व्यवस्था का नमूना है। वहीं आरजेडी विधायक रामानुज ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, वो अपराधी बदमाश है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। उनके कुछ लोग घायल हुए? जी नहीं, उनका खुद कहना है कि गाड़ी वहाँ पहुँचा और जैसे हुआ कि बदमाश सब है तो गाड़ी बैक में ही करीब हाफ किलोमीटर तक जाते हुए फिर मुड़ के श्रीपुर आए, तब उनको सूचना दी। उसी बीच उधर से कुछ किया गया और विधायक जी के बॉडीगार्ड के द्वारा भी छानबीन की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में अजीब वाकया हुआ है। एक पुलिस वाला एक सफेद रंग की कार पर चढ़ता है, तभी अचानक कार चलने लगती है और इस दौरान पुलिस वाला कार के बोनट पर ही लटक गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस वाला बोनट पर लटका हुआ है। आसपास के खड़े लोग ये देखकर बुरी तरह से घबरा गए। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में पुलिस वाले की जान बाल बाल बच गई है। हाथ में हल्का फ्रैक्चर हुआ है। जिस पुलिस वाले के साथ ये घटना हुई है वो ASI संजीव कुमार है और गाड़ी पर संजीव कुमार चढ़े थे वो एक ड्रग तस्कर के लिए उसको गिरफ्तारी करने के लिए गए थे और संजीव उससे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रग तस्कर के आरोपी सनी डोडा ने ASI को कुचलने की कोशिश की। कार रोकने की बजाय 500 मीटर तक कार चलाई और इस दौरान ASI बोनट पर ही लटके थे। फिर ड्रग तस्कर के आरोपी ने झटके से कार रोककर ASI को गिरा दिया और यू टर्न मारकर फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। मामला तो क्लीयर है जी। सनी डोडा स्मगलर सी होते, पुलिस ने ट्रैप लाया तो पुलिस ने ट्रैप लाऊ तो वह भज गया जी। कोई नशे वो तो इनफॉर्मेशन सी साढ़े को इनफॉर्मेशन सी नारकोटिक सैल तो भी नशे बेचता ट्रैप इस मामले के उत्ते असी जेड़ा उत्थे एक्शन किया उन्हें जख्मी किया उन्होंने खिलाफ असं केस रजिस्टर करेंगे एंड जोड़ा सनी डोडा है इनू गिरफ्तार करके जेल च बंद करेंगे। यूपी के संत कबीर नगर के धौरहरा गांव में शादी में खराब खाना खाने से 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। धौरहरा गांव में अब्दुल्ला के घर शादी थी। शादी का खाना खाने के बाद कई लोगों को पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी और इसके बाद एम्बुलेंस से लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खाने में कोई प्रॉब्लम में सब खाए बढ़िया। लमसम कितने लोग बीमार होंगे? करीब 50 होंगे अभी आ रहे हैं। अच्छा, और लोग आ रहे हैं? हाँ, ऑलरेडी करीब 30-35 लोग आ गए हैं अभी और गाड़ी गई है। सीरियस भी है क्या? नहीं, बस ये उल्टी का दिक्कत है जी। करीब 25 मरीज आए हैं फूड पॉइजनिंग के। लोग नन वेज खाना एक समारोह में कंज्यूम किए थे, उसके बाद से पेट दर्द उल्टी पतली टट्टी से कंप्लेन के साथ लोग हमारे यहाँ इमरजेंसी में लाए। सबका उपचार जिला अस्पताल संत कबीर नगर के स्तर से ही हो रहा है। किसी को अभी तक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सारे मरीज इम्प्रूव कर रहे हैं। सरकार और कोर्ट की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गाजीपुर जिले के कासिमाबाद इलाके का है। यहां के फतेहपुर गांव में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 दूसरे लोग घायल हो गए। फायरिंग में जान गंवाने वाला बच्चा गाँव का ही रहने वाला था। घायलों को मऊ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर्ष फायरिंग का आरोपी दूल्हे का रिश्तेदार था। गाँव वालों ने आरोपी की पहले जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों को गोली लगी, कई लोग घायल हुए थे। अरे दो लोग था, जो लोग एक लड़का था तो गुजर गया, एक बुड्ढा भी था उसको लगा था। नेटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी
शुमाइला ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। यूपी के अमरोहा की रहने वाली शुमाइला का आरोप है कि करीब 2 साल पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे नाराज उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 2 सालों से शुमाइला इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन यूपी में नई सरकार बनने के बाद शुमाइला सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंची थी, हालांकि उसकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, जिसके बाद शुमाइला ने सीएम के निजी सचिव को अपनी फरियाद देकर वो वापस लौट आए। शुमाइला ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। जब ज्यादा परेशान करा मैंने अपने पापा को बुलाया और अप्रैल में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके और मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ दिया। मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने मेरे साथ बहुत ज्यादती करी है, मेरी FIR लेट करी। मैंने योगी जी को एप्लीकेशन देकर आई थी, लेकिन वो नहीं थे, उनके सचिव को देकर आई थी। अब मैं प्रधानमंत्री जी को भी मैंने एप्लीकेशन दी है। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे साथ छोटी सी बच्ची का साथ है, मुझे जब कम से कम एक नौकरी मिल जाए और उन लोगों को उनकी किए की सज़ा मिल जाए, ताकि आगे ऐसा लोग करते हुए डरें कि तलाक देना इतना आसान नहीं होना हो। नहीं, जिस तरीके से जो बात है कि नेटबॉल प्लेयर शुमाइला के शोहर ने उसको तलाक दे दी और कहा जा रहा है कि उसके यहाँ लड़की पैदा हुई, इस वजह से उसने एक बार में ट्रिपल तलाक दी है, तो इस तरीके से तलाक नहीं होगी। और ये कहना कि तलाक हो गई और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया, ये बात गलत है। उन लोगों को चाहिए कि अपने मैटर को जो दारुल क़ज़ा है वहाँ लेके जाएं और वहाँ इस बात का फ़ैसला होगा कि तलाक हुई भी कि नहीं हुई। और अगर मान लिया जाए कि ये फैसला होता है कि तलाक हो गई, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ऐलान किया है कि जो शख्स भी बग़ैर किसी शरई उज़्र के अपनी बीवी को एक बार में 3 तलाक देता है, ट्रिपल तलाक देता है, तो उसका सोशल बायकॉट किया जाए। इस सिलसिले में अमरोहा के लोगों से यही अपील की जाएगी कि अगर फैसला हो जाता है कि तलाक हो गई, तो शुमाइला के हस्बैंड का मुकम्मल तौर पे सोशल बायकॉट किया जाए, जिससे कि उसको सबक भी हासिल हो और उसको देख कर दूसरे लोगों को भी ये सबक हासिल हो कि अगर उन्होंने इस तरीके का काम किया तो उनका सोशल बायकॉट, सामाजिक बायकॉट किया जाएगा। जहाँ तक लड़की होने का सवाल है, ये चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, एक बहुत घृणित समस्या हमारे हिंदुस्तान में। एक तरफ हम अंतरिक्ष में चले गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी हमारा जो पुरुष समाज है वो इस बात से नहीं निकल पाया है कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। देखिए, ट्रिपल तलाक का मसला जो है ये बड़ा अहम मुद्दा है और काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ कि ट्रिपल तलाक का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। शरीयत में, कुरान में जिस तरह से तलाक देने के लिए कहा गया है, जो 3 महीने का प्रोसीजर है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यूपी के कौशाम्बी में एक तस्वीर सामने आई है, जिससे पता चला है कि किस तरह कैदियों पर यूपी पुलिस मेहरबान है। पुलिस का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले कस्टडी में एक कैदी को दावत देते नजर आते हैं। मामला यूपी के कौशाम्बी का है। एक दरोगा और उनके 4 पुलिसकर्मी एक विचाराधीन कैदी को सरेआम हथकड़ियों में ही दावत देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने जब नजदीक आकर वीडियो बनाने की कोशिश की, तो दरोगा जी ने धक्का मुक्की कर दी। आरोपी कैदी पर हत्या जैसी संगीन धाराओं में मामले दर्ज है, लेकिन तब तक कैदी को दी जा रही दावत की पूरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस वाले ने मौके से भागना ही सही समझा। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएम का सरकारी फोन हैक कर ISI के नाम पर धमकी देने का मामला सामने आया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। दरअसल मेरठ के मवाना कस्बे के सौरभ शर्मा को खुद को ISI का एजेंट बताने वाले शख्स ने धमकी दी। सौरभ VHP के जिला महामंत्री है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर फोन कर फिर से धमकी दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान के फोन नंबर से आई कॉल से भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद सौरभ ने पुलिस को तहरीर दी है। मामले की जानकारी मिलने पर मुजफ्फरनगर के DM ने SP को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। DM का कहना है कि उन्हें फोन के दुरुपयोग किए जाने का शक था और इसकी जांच के लिए BSNL के GM को पत्र भी लिखा गया। मुझे जानकारी हो रही कि इस तरह की कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसमें जिसका नंबर भर दिया जाए, नाम भर दिया जाए, वही दूसरे के नंबर पे जाके शो होगा। तो किसी ने इस हमारे नंबर का दुरुपयोग किया है और इसकी जांच के लिए मैंने SSP साहब को अनुरोध किया कि वो इस पूरी जांच कर ले कि कौन व्यक्ति है जो इस नंबर का दुरुपयोग कर रहा है।
उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस वाले ही आपस में भिड़ गए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। मामला देहरादून के वसंत विहार का है। दरअसल कार पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस और कार चालकों के बीच जमकर बहस हुई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। वसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जमानत भी दे दी है, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि कार में जो लोग सवार थे उनमें से दो पुलिस वाले थे जबकि एक वकील था। वीडियो 16 अप्रैल का बताया जा रहा है। वसंत विहार थाना पुलिस का कहना है कि कार चालक शराब पी हुए था और उन्होंने मारपीट की, जबकि कार चालकों ने इसकी शिकायत DGP से की, जिसके बाद मामले की जाँच के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में महिला से छेड़छाड़ और फिर मारपीट का सनसनी केस मामला सामने आया है। घटना धर्मपुर थाना क्षेत्र की है। महिला अपने बच्चों और बहन के साथ कहीं जा रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में नशे में धुत बदमाश बस में चढ़े। आरोप है कि बदमाश महिला से छेड़छाड़ करने लगे और विरोध करने पर इन लोगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा। जब महिला बेहोश हो गई तो बदमाश भाग गए। इस दौरान बस में सवार सभी लोगों के साथ ही कंडक्टर और ड्राइवर भी मूक दर्शक बन के देखते रहे। हालांकि किसी ने भी डायल 100 को सूचना तक नहीं दी, जिसके बाद पीड़ित को अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश में जेल से कैदियों के फरार होने की घटना को देखते हुए प्रशासन जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने जा रही है, और इसी कड़ी में आज DG जेल संजय चौधरी ग्वालियर की सेंट्रल जेल पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो व्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। उन्होंने जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैदियों के फरार होने की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा जेल की दीवार टूट जाने की वजह से वहां से कैदियों को भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था, और वहां कैदियों की संख्या ज्यादा होने के बाद अब उन्हें भोपाल की पुरानी जेल में भेजा गया है। डीजी जेल के दौरे के दौरान ग्वालियर सेंट्रल जेल में ई रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई, और इस पर डीजी जेल ने कहा कि सेंट्रल जेल में ई रिक्शे का इस्तेमाल बीमार कैदियों को या फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाएगा। वहां की आउटर वॉल एक दिन रात में अचानक गिर गई तो असुरक्षित हो गई। इतनी असुरक्षा हो गई कि रात भर कलेक्टर, SP और जेलर खड़े रहे कि कोई बंदी ना भाग जाए। तो वहाँ से 200 बंदियों को हमने सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट किया। कैपेसिटी हमारी वहाँ की 200% ओवरक्राउडेड है, और पुरानी जेल हमारी खाली पड़ी थी 1200 की कैपेसिटी, तो हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। ई रिक्शा को हम देख रहे थे कि क्या इसको हम जेल परिसर के अंदर एम्बुलेंस के बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है 50-60 एकड़ का। कोई रात को बंदी बीमार पड़ जाए या किसी को जाना है या फोर्स को ही ले जाना है, तो हम देख रहे हैं कि इस ऑप्शन को यूज कर सकें। दक्षिण सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। डरा इलाके में सेना और विद्रोहियों की भीषण जंग चल रही है। लड़ाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। डरा में सेना ने हेलीकॉप्टर से विद्रोहियों पर बैरल बम गिराए। हवाई हमले के बाद कई जगहों से काला धुआं उठता देखा जा सकता है। विद्रोही इस इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका में चीते के हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में साफ नजर आ रहा है एक चीता धीरे धीरे एक लड़की की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए चीते ने अचानक से छलांग लगाकर लड़की पर झपट्टा मारा। चीता पहले लड़की को पकड़ता है, फिर किस तरीके से देखिए उसको चीता पकड़ लेता है, दबोचने की कोशिश करता है। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद एक शख्स ने चीते को लड़की से दूर करने की कोशिश की। अच्छी बात ये रही कि लड़की को बचा लिया गया है, उसे मामूली चोटें आई हैं। ये पूरी घटना साउथ अफ्रीका में एक कैट रिजर्व का है। लड़की चीन के मकाऊ से स्टडी टूर पर साउथ अफ्रीका आई थी। लड़की का नाम पीजी ले आए हुए हैं। घटना का वीडियो एक मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस लड़की को बचा लिया गया है। जिस तरह से हमला किया इस चीते ने लड़की पर, शायद लड़की का बचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में देखकर आप भी चौंक रहे होंगे कि आखिर इसको बचाया कैसे गया। पुर्तगाल में पावो बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान हादसा हुआ है। रेस के दौरान UAE के खिलाड़ी की बोट पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में बोट रेसर अहमद अल हमीली को चोट नहीं आई है, लेकिन उन्हें चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ा।